एक न्यूज़ के वजह से ये बोलना गलत नहीं होगा, गिरावट नहीं भयंकर गिरावट हो सकती है दोस्तों। कुछ ऐसी कंपनी है जिसमें गिरावट नहीं भयंकर गिरावट हो सकती है और वो डूबने की कगार पर भी आ सकता है। तो कौन से ऐसे न्यूज़ है और क्या ऐसा न्यूज़ आया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज़ दिखाऊंगा, उसके बाद कंपनी के नाम भी बताऊंगा। ये है कि दोस्तों अब जितने भी रेलवे थे, जितने भी ट्रेन थे, सबको बंद कर दिया गया है दोस्तों। इंडियन रेलवे कैंसल ऑल ट्रेन दोस्तों, एक नहीं ऑल ट्रेन को यहाँ पर बताया जा रहा है टिल मंथ एंड, मतलब कि दोस्तों टिल मंथ एंड इस महीने के लास्ट तक, और अभी मुझे लगता है 15 डेज तक अगर रेलवे बंद रहा तो IRCTC RVNL जैसी कंपनियों को क्या होगा दोस्तों। ये सब कंपनी अभी 50% टूट चुका है। कितना? 50% टूट चुका है। अगर 50 और दोस्तों, अगर मुझे लगता है 15 दिन तक रेलवे बंद रहा तो वो स्टॉक और भी टूट सकता है, और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते दोस्तों। ट्रेन जब बंद हो जाएगी और ऐसे अर्थव्यवस्था ख़राब होते रहेगा इंडिया का, तो इसका जो ग्रोथ GDP कितना ज़्यादा गिर जाएगा आपको बिलीव नहीं होगा। और जब दोस्तों GDP गिरेगा तब निफ्टी देखिएगा, निफ्टी और भी नीचे स्तर पे जाएगा दोस्तों, और भी मतलब ये बहुत नीचे जा सकता है अगर ऐसा चलता रहा तो। तो आपको तो पता ही होगा दोस्तों, ये जो IRCTC है ये कहाँ तक चला गया था दोस्तों, 2000 रुपीज़ तक चला गया था, और आज आपके सामने दोस्तों ये 900 के आसपास मिल रहा है, और ट्रेन को बंद कर दिया गया है। मतलब कि दोस्तों पहले तो कुछ चल भी रहे थे और अभी तो पूरा ही क्लोज कर दिया गया है। तो दोस्तों IRCTC में भारी गिरावट का संकेत आ रहा है। तो ये कंपनी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डूब जाएगी, मेरे कहने का मतलब भाव को समझिए, मेरे कहने का मतलब दोस्तों इसका प्राइस बहुत ज़्यादा और बहुत हेवी तरीके से गिर सकता है। ये देखिए जहाँ से शुरू हुआ था ये वहाँ पर ही आके ख़त्म होगा। देखिए दोस्तों यह प्राइस यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया ऊपर, यहां तक बाउंस बैक मारा, लेकिन दोस्तों एक ही झटके में ये नीचे वाले बॉटम को छू देगा। तो ऐसी कंपनियों से आपको क्या करना है दोस्तों, चाहे जो भी कर लो प्राइस तो गिरेगा ही। और ये है दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड भी दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी थी, ये भी अराउंड 30-29 रुपीज का हाइएस्ट बनाया था, लेकिन आज के डेट में दोस्तों ये केवल मिल रहा है आपको 13 रुपीज में। ये बहुत बहुत कम है दोस्तों, और इसका हाईएस्ट मैं आपको दिखा देता हूं इधर, ठीक है। होने में कितना टाइम लग रहा था, ये ग्रोथ होते होते 29 का हाईएस्ट मारा था, लेकिन एक झटके में ही इसने सारा लेवल तोड़ दिया दोस्तों, सारा लेवल तोड़ दिया, और 40% का नुकसान दिया है वो भी विथ इन ए मंथ। तो ऐसी कंपनी से आपको दूर रहना दोस्तों। ऐसे कंपनी आपको अगर ट्रेन बंद होता है तो बहुत भारी मात्रा में नुकसान होगा। और जैसे कि मैंने वहाँ पर बहुत 15 लिखे थे दोस्तों, 15 ठीक है, 15 मैंने लिखे थे। तो वहाँ पर दोस्तों और भी ऐसी कंपनी है जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसने जितने भी स्टील कंपनी है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, उनको भी प्रॉब्लम होगा। और एक चीज़, जब दोस्तों जब इंडिया का यही GDP गिर जाएगा दोस्तों, GDP गिर जाएगा तो फिर निफ्टी भी गिर जाएगा। जब निफ्टी ही गिर जाएगा तो फिर कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको प्रॉफिट निकाल के देगी? ज़्यादा से ज़्यादा आप जब भी देखते हो दोस्तों निफ्टी गिरता है तो सारे कंपनी आपको रेड में दिखाई देंगे, सब लाल लाल, मतलब सब में आपको नुकसान दिखाई देगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर दोस्तों भारत का GDP गिरा और आपको देखे जा रहा है, गया मतलब कि हो ही गया समझ लीजिए, तो भारत का कितना बड़ा अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है दोस्तों, उस न्यूज़ के वजह से भी स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो दूसरे वीडियो में मैं वो न्यूज़ को कवर करना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो दोस्तों ये बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ थी दोस्तों, ऐसा शायद ही कभी आता है 100 साल में एक बार, जो सारे ट्रेन को रद्द कर दिया जाता है दोस्तों, सारे ट्रेन को रद्द कर दिया जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, ऐसा हुआ तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा जो है परेशानी देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक मार्केट को बंद कर दिया गया तो आपको थोड़ी बहुत रिलीफ मिल सकती है, थोड़ी बहुत 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च तक नहीं चलेगी कोई भी ट्रेन दोस्तों, ठीक है, कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी। हालांकि दोस्तों मालगाड़ी को भी बताया जा रहा था, लेकिन यहां पर उसके बारे में वर्णन नहीं किया गया है दोस्तों, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, केवल यहां पर पैसेंजर ट्रेन के बारे में बताया गया है न्यूज़ में दोस्तों। मालगाड़ी के बारे में भी बताया गया था, अगर मालगाड़ी को रोक दिया जाता है तो मैं बोल रहा हूँ जितनी भी कंपनी है सबको रॉ मटेरियल लाने में, ले जाने में, मतलब कि दोस्तों इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने में बहुत भारी नुकसान होगा, जिसके वजह से आपको अभी देख रहे हैं सारे स्टॉक में कितना परसेंट गिरावट हो चुका है, आप देख सकते हो।
गिरावट हो चुका है दोस्तों, सब में 50% का गिरावट हो गया है। और अगर ट्रेन को बंद कर दिया जाएगा तो दोस्तों IRCTC का कैटरिंग बिजनेस नहीं चल पाएगा, जिनमें लोगों ने बहुत भर भर के पैसा लगाया है, और एक रेल विकास निगम लिमिटेड। तो ये जो भी हो रहा है दोस्तों सडन हो रहा है, ठीक है। आप किसी भी स्टॉक को देख लो यहाँ पर, ठीक है, पीडीलाइट जैसे स्टॉक को देख लो यहाँ पर, सफारी देख लो यहाँ पर, रिलायंस भी देख लो दोस्तों, ये भी गया था 1700 का शायद हाईएस्ट मारने ही वाला था, उसके बाद दोस्तों इसने शायद 900 का लोएस्ट बनाया, ठीक है। तो इसने भी दोस्तों आया, रिलायंस जैसे कंपनी बहुत ज्यादा टूट गया था। ITI देख लो, सारा स्टॉक जो है 50% टूट चुका है। तो मैं बोलूंगा अभी न्यूज से आपको अप टू डेट रहना है दोस्तों आने वाले दिनों में। और हाँ, जो मैंने नेक्स्ट न्यूज बोला तो वो नेक्स्ट वीडियो में आने ही वाला है आप लोगों के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेशनल लगा, तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा। और अभी किसी भी स्टॉक में पैसा ना लगाएं, आपको टाइम आएगा वहां पर पैसा लगाइए, लेकिन अभी ये मेरा रिक्वेस्ट है कि पैसा मत लगाइए किसी भी स्टॉक में। अगर कल को निफ्टी आपको 500 प्लस में अगर आपको दिखाई देता, फिर भी मान लेते हैं कि 1000 प्लस में अगर आपको भी दिखाई देता प्लस है, ठीक है, प्लस में, तो भी आपको क्या करना है, नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है, अभी आपको वेट करना। प्लीज़ जब मौका आएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, यही वो टाइम है जिसमें आपका पेशेंस चेक किया जाता है, ठीक है। तो आपको अभी नहीं खरीदना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो भी देख लीजिएगा।